चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार है इस बार? बीजेपी की होगी। क्या कुछ बदलाव आपने देखे? क्यों बदलाव क्यों नहीं, सारे रोड पक्के बन गए, फ्लाई ओवर सारे हो गए, इसमें क्या चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। पति कौन आना चाहिए इस बार? मोदी आएगा। दोनों में से बेहतर कौन है? ज्यादा तो बेहतर तो अब यही चल रहा है, ज्यादा मोदी यही है और कोई नहीं है। आप बताइए भैया, बीजेपी कैसा काम? हमारी रोजी रोटी पैदा हो रही है, बच्चे पल रहे हैं, इससे और क्या चाहिए। अभी सर बदलाव चाहते हैं मैडम? बदलाव चाहते हैं, बदलाव, सपा सरकार, गठबंधन। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहेंगे उन्हें? देखना क्या आएंगे, देखना क्या, देखो अनाज फ्री मिल रहा है, गैस मिली है हमारे लिए और राशन वगैरह। ने कैसा काम किया है? सही करा, बहुत बढ़िया करा, तो सही है, हमें तो कोई दिक्कत ना, बढ़िया, हम तो चैनल में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम उनके अलावा कोई बेचारा है नहीं प्रधानमंत्री के लिए। देश के प्रधानमंत्री है, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बनारस से नामांकन किया तो लगता है बहुमत मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा पक्का, मिलेगा। जो मैडम जो कर रहा है तो पहले तो वो तो सोचनी चाहिए ना आपको। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल HB में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन कर दिया है। जी हाँ, अब वो वहाँ से दो बार, आप सब जानते हैं, वो सांसद रह चुके हैं और अब तीसरी बार उन्होंने एक बार फिर नामांकन किया है। तो इस बार ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि PM मोदी वाराणसी से, क्योंकि जो उनकी लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन देशों विदेशों में बढ़ती ही जा रही है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार उनको कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं साल 2014 में जब प्रधानमंत्री ने नामांकन किया था तब वो 3.5 लाख वोटों से जीते थे और साल 2019 में वो 4.5 लाख वोटों से जीते थे। कहीं ना कहीं आप सब देख समझ सकते हैं कि 1 लाख वोटों का फर्क पड़ा, बड़ा है। तो इस बार कहीं ना कहीं जनता को और उनके कार्यकर्ताओं को काफ़ी उम्मीद है कि PM मोदी का जो ये आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बार और बढ़े, क्योंकि साल 2019 में 4.5 लाख वोटों से PM मोदी ने काफ़ी बड़ी जीत को हासिल किया था। तो इस बार भी उम्मीद है कि वो एक बार फिर बड़ी जीत को हासिल करेंगे और जैसा कि उन्होंने नामांकन किया है। तो चलिए जनता से ही जानेंगे कि क्या उनकी क्या कुछ राय है PM मोदी के नामांकन को लेके, क्योंकि राहुल गांधी ने भी रायबरेली से नामांकन किया है और वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो दो जगह से चुनाव लड़े, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। तो जनता से ही जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जीत होगी ये कितनी दिलचस्प है और जनता की जो लोकप्रियता है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी है। क्या जनता अभी भी नरेंद्र मोदी को लेके जैसे काफ़ी पॉजिटिव है, या राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनके लिए भी जनता क्या सोचती है और क्या लगता है उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में कितनी है? तो चलिए जनता से ही इस पे जानते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। आज चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार है इस बार? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, बीजेपी ही क्यों है? वो काम जो अच्छे होंगे तभी तो आएगी। अच्छा, उनके कार्यों से खुश हैं आप? हाँ, हम तो खुश हैं। अचानक से बिना सोचे हुए बीजेपी का नाम लिया? हमें सोच ही रहे हैं, जब से देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं वो? हाँ, सब काम बढ़िया हो रहा है। कैसा काम किया, क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं? क्यों बदलाव क्यों नहीं, सारे रोड पक्के बन गए, फ्लाई ओवर सारे हो गए, इसमें क्या चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अच्छा, और क्या चाहिए? ये जो बीजेपी की लोकप्रियता है ये गुंडागर्दी से ज्यादा बढ़ी है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, इसलिए बढ़ी है ज्यादा? नहीं तो बढ़ने को तो गुंडागर्दी से क्या, हर चीज ही बढ़ रही है। अच्छा, इस बार PM मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े हैं बनारस से, तो क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनका नारा है 400 पार का, तो इस बार क्या उम्मीद है? देखो, उनका पारा का 400 पार है तो हो सकता है 400 पार हो जाए, हो जाएगा, हो सकता है। में क्या लगता है कितनी बहुमत मिलेगी उन्हें, जनता चढ़ मढ़ के? इसके बारे में तो वाराणसी वाले बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। आप चाहते हैं कि वो सत्ता में आए और अच्छी बहुमत, वही आने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग ऑटो के अंदर भी बैठे, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी क्या कुछ है। सर आप बताइए, इस बार कौन आए, कौन जीते इस बार चुनाव? आप लोग राय बहुत जरूरी है, आप क्यों शर्माते हैं कैमरे के सामने बोलने से? अच्छा सर आप बताइए, कौन आना चाहिए इस बार? मोदी आएगा। मोदी आए, कोई और नहीं आना चाहिए? और कोई नहीं आना चाहिए, ये गुंडागर्दी क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी ही आए तो चलेगा? चलेगा, पहले से गुंडागर्दी कम है सब चीज में, पर इस टाइम तो पुलिस वाले ज्यादा अति कर रहे हैं, टम्बू वालों को भी वैसे भी चाचा सवारी बैठा के ले जानी पड़ रही है, और क्या बताओ। अच्छा, अगर कार्यों की बात करें, अगर आपने तो गुंडागर्दी का जिक्र किया, अगर कार्यों की बात करें तो कैसा काम किया, अगर कांग्रेस को ले लिया, बीजेपी को ले लिया, तो दोनों में से बेहतर कौन है?
ज्यादा तो फायदा तो अब यही चल रहा है, ज्यादा मोदी यही है और कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की अगर बात करें, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो क्या लगता है, और बनारस से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है दोनों में से ज्यादा बहुमत किसे मिलेगी? अब ये तो कह नहीं सकता मैं। अच्छा, अगर लोकप्रियता की बात करें तो अभी राहुल गांधी को देखते होंगे और नरेंद्र मोदी को, तो क्या लगता है दोनों में से बेहतर कौन चल रहा है, किसकी लीडरशिप और जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है? जनता तो दोनों को ही कर रही है, राहुल को भी और ज्यादा इसको भी कर रही है, मोदी को ज्यादा कर रही है। मोदी को ज्यादा क्यों? हाँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा विदेशों में भी काफी नाम है बीजेपी और नरेंद्र मोदी का, तो ऐसा क्या कुछ काम किया जो आपको भी पसंद आ रहा है? पसंद ये ही है क्या क्या था, और कोई नहीं है क्या, गुंडागर्दी भी कम है ये, और वैसे भी काम उसका सही है। अच्छा, आप बताइए भैया, बीजेपी कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है, तो बोलो जय श्री राम। हमारी रोजी रोटी पैदा हो रही है, बच्चे पल रहे हैं, इससे और क्या बढ़िया काम चल रहा है, कोई नुकसान नहीं। आप लोग जरा अपने दिन का एक रूटीन बताइए, क्या कुछ परेशानी होती है, क्या कुछ सही चल रहा है जब से बीजेपी की सरकार? हमारे लिए कोई नुकसान ही नहीं है, तो हमें क्या परेशानी सुनाएंगे? सवारियों की बात करें, जैसे इतनी धूप हो रही है तो सवारी वगैरह मिल जाती है, मतलब आप लोग को कोई परेशानी? हाँ, सवारी तो मिलती है, बराबर मिलती है, बढ़िया चल रहा है। भैया अभी बीजेपी को पसंद करते हैं? बिल्कुल, चाहते हैं कि एक बार फिर आए? हाँ बिल्कुल ही आनी चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ, अब बात है काम के, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक काम कहाँ से करवा लोगे? राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो कैसे लगते? नहीं नहीं, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर आए? हमारा काम चलता रहे, बस बहुत है, हमें थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, बस हम सपोर्ट पे जीते हैं, ठीक है? किस चीज का सपोर्ट? जो हम गाड़ी चलाते हैं, हमें तो बहुत आराम है, ना गुंडागर्दी है, ना कुछ है, ना कोई मुझे परेशान करता है, बस इतना चाहिए मुझे, बाकी तो हमारे हाथ पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए, खाने पीने के लिए। अब कोई भी सरकार है फ्री में तो खिलाएगी नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं खिलाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी वो परेशानी, क्योंकि दिल्ली के जो ऑटो रिक्शा वाले लोग भैया है, वो उनकी एक दिक्कत है कि जब भी वो लोग गाड़ियाँ लगाते हैं तो उन्हें एमसीडी वाले, मतलब बहुत सी उन्हें पुलिस वाले डांट के हटाते हैं, तो आप लोगों को भी ऐसी परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सही है, आप लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहते हैं, अपने नियम से चलते हैं, बीच रोड पे गाड़ी नहीं लगाते तो कोई परेशान नहीं करता मुझे, साइड में लगाते हैं तो कोई परेशान नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। पुलिस प्रशासन की बात करें तो क्या सुविधाएं हैं? सुविधा बढ़िया है, यहाँ पे स्टैंड है, नंबर से चलती है हमारी गाड़ी, यहाँ पे कोई दिक्कत है ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब नंबर से कि आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अगर चुनाव की बात करें तो क्या माहौल लग रहा है आपको? चुनाव के मामले में इतनी बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? कैसे लगते हैं? सही है, बढ़िया नेता है। हाँ, बढ़िया। मौका देना चाहते हो? बिल्कुल। बताइए चाचा जी, कौन है इस बार? भाग क्यों रहे हैं कैमरे को देख के? नरेंद्र मोदी की बात करें तो कैसा काम कर रहे हैं? मैम अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। जी जी। विकास की बात करें या बदलाव देश का, तो लग रहा है आपको देश बदल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है? जी जी जी। बदलाव है जी। नरेंद्र मोदी की राजनीति अच्छी है? जी जी। राहुल गांधी की? जी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। मौका देना चाहेंगे इन्हें फिर से एक जी, बार किया जी, है। जी जी जी। ये जी जी सिर्फ कैमरे के सामने या वाकई चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मौका दिया जाए? जी नरेंद्र मोदी को मौका दिया जाए। देंगे उन्हें जी। अभी सर बदलाव चाहते हैं मैडम? बदलाव चाहते हैं, बदलाव। सपा सरकार, गठबंधन। सपा सरकार? हाँ जी मैडम, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आए इस बार? इस बार यस मैडम। अच्छा, ये बदलाव क्यों चाहिए आपको? मैडम परेशान है, हमें तो पता है गाड़ी हमारी दिक्कत है, कहीं भी जाओ किधर भी जाओ हर कट में पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, बहुत दिक्कत है ऑटो वालों को। अच्छा, आपको भी ये सब परेशानी है क्या? बोलो जब मेरी आवाज कम है ना अभी, तो क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं जाएगी। अच्छा, आप बताइए सर, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं, बढ़िया नेता है। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहेंगे उन्हें? देखना क्या, आएंगे ही, देखना क्या है, आएंगे ही। मतलब क्यों बुलाना है उन्हें एक बार फिर? देश का राजा अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। राजा है वो? देश का राजा ही है जी, तो चला रहा है देश को, तो राजा ही माना जाएगा। मतलब उनका जो शासन है वो बढ़िया है? हाँ बिल्कुल बढ़िया लगा। राजनीति है? नहीं नहीं, शासन बढ़िया है, देश का विकास हो रहा है, और क्या चाहिए प्रधानमंत्री से, क्या अपेक्षा करोगे? कुछ परेशानी होती है यहाँ पे? क्योंकि देखो जिंदगी में तो परेशानी हर चीज में होती है,
खाना खाना कमाना है तो परेशानी तो झेलनी पड़ती है, लेकिन देश का राजा बढ़िया है, बढ़ाना चाहिए। चाहते तीसरी बार भी मौका दे और मौका दिया हमने, वोट दिया उनके लिए और मौका दिया। सपा को नहीं देखते कि सपा भी आए, अखिलेश यादव को मौका मिले या राहुल गांधी को मौका मिले? देखो एक्चुअली में प्रधानमंत्री ने काम किया है, जो काम किया है तो उनके लिए वोट है। हम सपा उसको राजनीति तो करना नहीं चाहते, जो भी है। अच्छा, मतलब काम किया है तो यही आए, अगर दूसरों की बात? नहीं नहीं, दूसरा नहीं है। अच्छा, तो कौन सा काम आपको बढ़िया लगा या क्या कुछ जो प्रधानमंत्री सुविधा देते हैं वो आप तक पहुंचती है? हाँ, प्रधानमंत्री की सुविधा देखो, अनाज फ्री मिल रहा है, गैस मिली है हमारे लिए। अच्छा, ये गैस फ्री आप लोग को मिलता है उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना से गैस मिली है और राशन वगैरह मुफ्त मिली। चाहते एक बार आए और आएंगे ही? आए क्या, आएंगे ही, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप भी चाहते हैं कि चाचा एक बार फिर आ जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल। किसी और को मौका नहीं देना? क्यों? हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम उनसे संतुष्ट हैं। हाँ, हम उनसे संतुष्ट हैं। संतुष्ट है जी, बिल्कुल। काम की बात करें या सिर्फ राजनीति है? सब में सही है। कौन सा काम बेहतर लगा है उनका? सब कुछ जो करा सब सही है। सुविधाएं उन्हें बहुत सारी दी है। सुविधा क्या मिली है? टेम्पो चला रहे हो, सुविधा तुम्हें मिली है? टेम्पो क्या है, सारी एंट्री बंद हो गई, इसमें कोई फायदा नहीं है अपना? यूपी गेट पे, बाईपास पे, यहाँ आनंद विहार की एंट्री बंद हो गई, पुलिस वाले एंट्री ले रहे, वो एंट्री कहाँ जा रही है? अरे यार, रिस्पेक्ट को, आदमी खत्म हो गए तो पुलिस वाले भी तो एंट्री कर रहे हैं। पुलिस की तो दादागिरी चली रही है। अच्छा, अगर लीडरशिप की बात करें और नेतृत्व की, तो क्या लगता है बढ़िया, मतलब देश इनके राज्य में आगे बढ़ रहा है या अगर कांग्रेस आएगी तो वो भी ये काम कर सकती है? हमारे लिए तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही, तो इन्हीं को मौका देना है आपको? हम तो वोट उन्हें देंगे, बाकी दुनिया चाहे जो करेगी। अच्छा, हमारे अकेले देने से हमारे अकेले देने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि यही आए एक बार? हम तो इसे ही वोट देंगे, यही चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल की, बनारस से भी आप प्रधानमंत्री ने नामांकन कर दिया है, तो क्या लगता है कितनी, क्योंकि पिछली बार वो 4.5 लाख वोटों से जीते थे, तो इस बार क्या लगता है और बढ़ेगी? और बढ़ेगा जी, बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ, काम के आधार पर बढ़ेगा, काम किया है तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल। पूर्ण बहुमत मिलेगी? बहुमत मिलेगा, क्या मिल चुका है जी, मिलेगा क्या, मिल चुका है। आपने कैसा काम किया? सही करा, बहुत बढ़िया करा, बढ़िया काम किया। हाँ, बढ़िया किया, देश विकास की ओर है, खूब अच्छा करा, खूब करा। अच्छा, ये सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहे हैं, वाकई विकास की ओर है? ना ना, सही है, हमें तो कोई दिक्कत ना, बढ़िया, हम तो चैनल में रह रहे हैं। बनारस से जीत जाएंगे वो? जीतेंगे ही, सब जगह भैया, सब जगह जीतेंगे, जब जीत रहे हैं तो जीतेंगे। है गंगा मैया का आशीर्वाद? हाँ हाँ, आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। अच्छा, बहुमत उनको मिलेगी या राहुल, राहुल गांधी को? अभिनंदन तो मिला ही, मोदी के लिए, मोदी के लिए है। तो जनता की लोकप्रियता राहुल गांधी के लिए कम क्यों है इतनी, मोदी के लिए? कोई कोई समझ आया, हम तो बीजेपी में खुश हैं। अच्छा, बीजेपी से ही खुश हैं? खुश हैं हम तो। राहुल गांधी को नहीं देखते? ना, हमें कोई ना, ना हम ना देखते, नहीं चाहते, नहीं हम ना, कभी मौका भी नहीं देना चाहेंगे? भैया हम तो नहीं ना, हम तो चैन में है, तो सरकार सही है ताई को दे रहा है। अच्छा, जो सही है सही है, आप भैया 150 को रोज को फायदा आ जाए सरकार हमें, हमें तो घाटो हो तो हमें का फायदा है, हमारे टम्पो को एंट्री नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा हो तो हम चैन में है ना। अच्छा, सही है, हमको दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया रह रहा है। इन भैया से भी जानना चाहेंगे, गुंडागर्दी नहीं है तो देख रहे हैं आप, यहाँ की जो जनता है वो बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है और जो जनता है वो काफी नरेंद्र मोदी के कामों से संतुष्ट है। तो चलिए, इन अंकल जी से भी हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? सही है, बढ़िया है। नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम उनके अलावा कोई बेचारा है नहीं प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, उनकी पार्टी में नहीं है या किसी और पार्टी में भी नहीं है? किसी और पार्टी में है ही नहीं उनके जैसा। बीजेपी कैसा काम कर रही है? महंगाई बढ़ा रही है और क्या काम कर रही है मैडम? महंगाई बढ़ा रही है। हाँ जी, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? हम मेहनत से कमा पाते हैं तो इतना महंगाई है, खर्चा बहुत है, बचता कुछ नहीं, जीरो रह जाते लास्ट माह के, महीना पे कुछ नहीं बचा पाते, चलाते हालांकि देखने को 1000 रुपये कमाते डेली, लेकिन बचा नहीं पाते मैम। बच्चों की फीस है, किराया है, खर्चा बहुत हाई फाई है और महंगाई है, बेरोजगारी है ज्यादा, महंगाई तो काफी बहुत ज्यादा हो गई है, इससे आप लोग बहुत परेशान हैं? हाँ, मैं महंगाई से बहुत परेशान है। चलिए, अब जरा इसे आप बताइए सर, बीजेपी से संतुष्ट है उनके काम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है बिल्कुल। क्या कुछ? इंदिरापुरा। अच्छा, इन आंटी से आओ जानते हैं। आंटी जी, आपसे एक सवाल करना है, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, सही
देश के प्रधानमंत्री है, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी महिलाओं से कुछ बहुत खास उम्मीद है कि महिला उनके साथ है, तो चाहती है एक बार मौका देंगी उन्हें फिर से? बिल्कुल। क्यों अच्छे लगते हैं, कोई एक वजह है? काम अच्छा सब कुछ करते हैं ना, इसलिए वजह है। अंकल जी, आप प्रधानमंत्री के कार्यों से संतुष्ट हैं? सही है मैडम, जो भी है जो कर रहा अच्छा कर रहा, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार बनारस से नामांकन किया तो लगता है बहुमत मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा पक्का। पक्का मिलेगा, मिलेगा। क्यों इतना भरोसा क्यों है? क्यों मैडम, जो कर रहा है तो पहले तो वो तो सोचना चाहिए ना। आपको साथ है मोदी के? कौन सा काम बहुत खास लगा है आपको? मैडम उसने बहुत कुछ किया, एक बता दीजिए मुझे भी। हम जैसे ये क्या बोलते हैं लोगों का, ये जो है प्राइवेट सेक्शन है, जैसे ये गवर्नमेंट हो तो मोदी ने जैसे प्राइवेट सेक्शन, गवर्नमेंट के अंदर कोई काम नहीं करना चाहता मतलब। अच्छा। तो प्राइवेट में दे दिया सारे काम, मतलब ये भी अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट कौन करता काम, कोई नहीं करता, प्राइवेट वाला करते सारे काम। ये भी अच्छा कर रहा है मोदी, गवर्नमेंट कौन करता काम, अपने 10 बजे 3 बजे बज जाते, अच्छा कर रहा है वो भी, जो भी कर रहा है। तो आप मतलब संतुष्ट लग रहे हैं उनके कार्यों से? लग रहे मैडम, संतुष्ट लग रहा। अच्छा, तो एक विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि अब वो 75 साल के होने वाले हैं तो उनकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, मेरा ये सवाल भी है, तो क्या लगता है वो उन्हें आगे मौका देंगे या चाहेंगे कि वो रिटायर्ड हो जाए? देखो मैडम, अभी कुछ नहीं कह सकते, मौका भी दे सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं। तो मौका दे सकते हैं, चाहते नहीं है कि रिटायर हो? हो भी सकते हैं रिटायर, अभी क्या बोल सकते, अभी दिल की बात है, अभी कुछ नहीं कह सकते मैडम, कह सकते कोई बात नहीं। अच्छा, आपको देखा आपने, ये थी जनता की राय की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वाराणसी और बनारस से जो नामांकन किया है उसको लेके जो जनता में है वो काफी कॉन्फिडेंट है, वो काफी उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी इस बार एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता का ये कहना है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगी, और बहुमत मिलनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया है, ये जनता की राय है। और राहुल गांधी की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता ने उनसे भी सहमति जताई है और उनके लिए भी हामी भरी है कि हाँ उन्हें भी एक बार कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन रीति के साथ मैं सुशीषा।